साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई बीन वेरी लकी. मेरे जो भी हड्डी पसली है सब एक सलाम सही सलामत है, क्योंकि मेरे स्टंट कोरियोग्राफर्स जो हैं वो हमेशा अच्छे रहे हैं. सो उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है. और मैं मानता हूँ, ये बात को बिल्कुल मानता हूँ, कि स्टंट कोरियोग्राफर वो होता है जो अपने एक्टर का और अपने स्टंट बॉयज का, उनकी सेहत का ध्यान रखे, उनको एक खरोंच तक ना आए. वो स्टंट अगर कंप्लीट होता है तो जब बिना खरोंच के होता है उसे कहते हैं सही स्टंट. अक्षय, एक सवाल और है कि 1930s और 1940s से इस तरह की स्टंट फिल्में बनती आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि इतने साल लग गए इंडस्ट्री को टू वेक अप कि इनके लिए कुछ करना चाहिए? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इंडस्ट्री ने कुछ कंसर्न नहीं दिखाया. ऐसा तो एक बात बताऊं, कहीं भी नहीं हुआ. मतलब हिंदुस्तान में, मतलब कोई भी और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, ये मतलब जितने इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं हुई है. एंड आई प्रे कि इसके बाद उन सब की इंश्योरेंस पॉलिसीज हों, और चाहे वो मलयालम फिल्म हो, कन्नड़ फिल्म हो, सबकी पॉलिसीज हों, क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल. हम पायलट्स के इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आती है, तो स्टंटमैन के क्यों ना हो. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एंड थैंक्स टू डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा, इनकी बात इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने सुनी, इंश्योरेंस वालों ने सुनी और ये कर दिया. और मैं इंश्योरेंस वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इनके हमारी बात सुन के ये कर दिए. दैट्स इट. डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, जैसा कि हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं अक्षय जी से भी. तो यू हैव अ वेरी ग्रेट ह्यूमन क्वालिटी इन यू, एंड स्पेशली थिंकिंग अबाउट स्टंटमैन, हाउ डिड इट कम अबाउट? I think it came out after that incident in South India when that happened to Achyut Kumar. He's a very, very dear friend. So he called up, he told me that these stuntmen, can you help us getting some beds in your hospital? Where the stuntmen who are getting injured, they can come and get a free treatment. So then I talked to my staff, and then we all also, with my staff, Aditya, my business development person, then we thought that because stunt only doesn't take place, all this action doesn't take place only in Mumbai, go for shooting all over the country. Suppose somebody's gone some remote place, something happens, coming, bringing them all the way to SNR, itna dula anada muskil hai. So then we thought, then you go for insurance, though then the next hospital, nearest hospital, jaake treatment le sakte. That's the whole thing came up, and isliye humara jo insurance agent hai, Synergy Insurance plus the New India Assurance and ICICI Bank, I must thank them. We talked to them and no insurance company was giving. With a lot of talk and persuasion, they agreed, and we must thank them for and for him at least to think about the stuntman. Akshay ji, we have a very handful of female stunt women. So along with this, are you going to plan something special for them? Sorry? इसी में उनका भी है. मैडम, उनके लिए भी, पूरे स्टंट बॉयज हों या गर्ल्स हों, सबके लिए इंश्योरेंस किया हुआ है. आप भी ज्वाइन करें. स्पेशली स्पेशल है, वी आर ऑल इक्वल. स्पेशली वी आर ऑल इक्वल, मेन एंड वेमेन ऑल इक्वल. अब तक कुछ नहीं था और ये बहुत कुछ है, इसके लिए हमारे सबसे ज्यादा स्पेशल ही. अक्षय जी, जैसा कि हम सभी मानते हैं, हम सभी ने देखा है कि आप इंडस्ट्री के एक्शन हीरो माने जाते हैं. प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं कि कई सारे नए नए एक्टर आ रहे हैं जो कि एक्शन अच्छा कर रहे हैं. आप किसे मानते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है ये एक्शन के मामले में, और आप किसे मानते हैं कि बहुत ही अच्छा एक्शन करते हैं? देखिए, फिलहाल तो घोड़े तो सिर्फ वर्मा ब्रदर्स के पास ही हैं. मुझे नहीं पता था कि हम आर्टिस्ट भी घोड़े हैं. सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये सोचना कि
सबसे लंबी रेस का घोड़ा कौन है. एंड वैसे सभी अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं, अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो टाइगर श्रॉफ साहब हो, चाहे वो विद्युत हो, रणवीर सिंह हो, बहुत सभी अच्छा अच्छा करते हैं. देखिए सो मैं ऐसा कुछ नहीं मान सकता कि कौन कोई सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा है. हाय अक्षय, एक सवाल और है, थोड़ा सा अलग है.